ये पता चला कि हमारी बच्ची के साथ इस तरह का घटना किया है, तीनों मिलकर के उसका घर वाला मोहम्मद इजहार, उसका ससुर मोहम्मद लाल पेशर अब्दुल गफूर और उसकी बीवी सैरुन खातून और पति मोहम्मद लाल, ये सब मिलकर के इस तरह को घटना को अंजाम दिया कि हमें कभी एहसास भी नहीं होता था कि हमारी बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा। मैंने जब मालूम हुआ तो प्रशासन के पास गए और प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है, हमको यकीन दिलाई बेटी के साथ उन्होंने जो घटना किया है और बेटी के साथ इस तरह का घटना नहीं हुआ, हमें प्रशासन से प्रार्थना है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं बिरोल थाना क्षेत्र के सुपौल पंचायत के सुपौल गांव में। हालांकि मैं उसी अफसाना परवीन के घर पे मौजूद हूं जहां विगत कुछ दिन पहले अफसाना की निर्मम तरीके से रूपनगर में हत्या कर दी जाती है। अफसाना कौन थी उनके बारे में बताएंगे। अफसाना इस घर की लाडली और दुलारी बेटी थी, लेकिन आज जिसके वजह से इस घर में रौनक हुआ करता था, आज उस घर में मातम छाया हुआ है। उसके बाप है, उसकी माँ है और पूरे मोहल्ले की जितनी उसकी समाज है, सब यहाँ पर गमगीन माहौल बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि बेटी को माँ बाप बड़े प्यार से पालते हैं, लेकिन जब उस बेटी की हत्या कर दी जाती है तो उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतता होगा, यही दिखाने और बताने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे हाथ में एक आवेदन है और यही वो माँ है और पिता है जो थाने में आवेदन दी है। इनका आरोप है कि रूपनगर जहाँ उन्होंने अफसाना की शादी की थी, उनके ससुर और ससुराल वाले उनके पति के द्वारा दहेज को लेकर उनकी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और हत्या के बाद इनको सूचना तक नहीं दिया गया और इनके बेटी को आनंद फानन में दफना दिया गया, ये इनका आरोप है। हालांकि थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है, आपके सामने तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इनके पिता है उससे बातचीत करेंगे। बड़ी प्यार से अपनी बेटी को पाले थे, इस उम्मीद के साथ पाले थे कि इनकी बेटी की शादी होगी, बेटी खुशहाल होगी। इन्हें माँ की आंखों में आंसू है, पिता की आंखों में भी आंसू है, मोहल्ले की जितनी महिलाएं हैं, ये जो बेटी है, चाची है, बहन है, सबकी आंखें नम हो चुका है। पहले हम इनके पिता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फैज मोहम्मद। अच्छा, क्या हुआ था अफसाना के साथ? अफसाना का तो बड़ा धूमधाम के साथ हम शादी किए थे, अपना जो मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक 11/3/2021 को, तो उसके बाद उसके घर वालों ने हमसे हर हमेशा ये कहता रहा कि भाई 2 लाख रुपया दो, सोना का सिकड़ी दो। हम कह के भाई माजरा बतलाते थे कि हमारे पास शादी हम बच्ची का किया है, जो लेना देना था इधर उधर कर्ज करके हमने दे दिया, अब हमको माफ़ कर दीजिए, अब हम उसके लायक है नहीं। लेकिन वो हम भी और बच्ची को हर हमेशा उस लेकर के ताना देती थी, तरह तरह का टॉर्चर करती थी, बच्ची हमारी मजबूरी देख करके हमसे बात छुपाती थी। लेकिन कभी कभी बच्ची से बात करते थे तो वो कहती थी कि अब्बा इस तरह का हमको तकलीफ दिया जाता है, तो हम कहे बेटी के बर्दाश्त करो, तो वो बच्ची बर्दाश्त करके उस घर में रहती थी। अचानक 27/3/2023 को ये शाम में हमारी घर से हमारी बच्ची ने खबर दिया कि अब्बा इस तरह का बात हो गया है कि गांव वाला कह रहे हैं उसके घर वाला कि वो बीमार पड़ी है, अम्मी को भेज दीजिए। जब उसकी अम्मी गई वहां तो हम लोगों को ये खबर चला कि उसको मतलब पेट में दर्द उठा, घर वाले ने कहा कि उसको पेट में दर्द उठा और हार्ट अटैक हो गया। घर वाले ने हमारी वाइफ गई यहाँ से, किसी को मतलब चेहरा भी सरिया के नहीं देखने देता था, पूरा उसको ढांक करके, मोहल्ले वाले भी गए थे, लेकिन हमको भी खबर मिला तो हम गरीब आदमी किसी तरह उधर कर्ज ले करके 28 तारीख को जब यहाँ आए तो गांव वाले ने भी और इस तरह का मतलब आनंद फानन में उसको दफना दिया। हम तो इतना दिमाग में उलझन था कि हमें कुछ बोलने का सोचने का मौका नहीं मिला। एक तस्वीर जो खींचा गया वो हमारा छोटा सा लड़का भतीजा जो हमारे भाई महरूम का लड़का था, उसने तस्वीर खींचा, तब ये पता चला कि हमारी बच्ची के साथ इस तरह का घटना किया है, तीनों मिलकर के उसका घर वाला मोहम्मद इजहार, उसका ससुर मोहम्मद लाल पेशर अब्दुल गफूर और उसकी बीवी सैरुन खातून और पति मोहम्मद लाल, ये सब मिलकर के इस तरह को घटना को अंजाम दिया कि हमें कभी एहसास भी नहीं होता था कि हमारी बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा। मैंने जब मालूम हुआ
तो प्रशासन के पास गए और प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है, हमको यकीन दिलाया है इनका आयोग साफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। ये इनके पिता है, इनके रोने की आवाज इसलिए आपको सुना रहे थे ताकि आप इस बात को लेकर महसूस कर सके कि एक बाप का दर्द कितना होता है, एक बच्ची के गुजर जाने का क्या कुछ इनके दिल पर बीत रहा है ये दिखाने का प्रयास हम करें। इसकी माँ है, बोल नहीं पाएगी, सिसक सिसक कर रो रही है। आप माँ है अफसाना के? हम ही हैं, तो हमको बच्चिया को ले गया बेनी फूल का, बच्चिया का हार्ट अटैक हो गया तो हमको दांती लग गया। अंतिम बार कब बात हुई थी अफसाना से? अंतिम उसी रोज 3 बजे अफसाना से बात हुई थी। हाँ, 3 बजे। कितने बजे बात किए थे? 3 बजे। कितने बजे खबर आई? रोजा घड़ी मगरिब के बाद। तो आप गए थे बेटी को देखे? देखे तो पूरा झापा चादर से झाके रहा, माँ को देखने नहीं दिया? नहीं, वहाँ के गांव वाले? हाँ, गांव वाला पूरा साइड लेते हैं, एक दिशा गांव वाला बोले अने देखने नहीं दिया, कभी बोले तो सब दिशा से सब मार मार को। कितना प्यार से आप अपने बेटी को पाले थे, आपको पता था कि मेरी बेटी इस तरह चली जाएगी दुनिया से? नहीं, हमको पता ही नहीं रहा, पता हमको नहीं रहा, हमको तो दाती पर दाती लग। उसकी माँ है और उसकी माँ इस बात को लेकर काफी दुखी है, हालांकि इनके आंखों में आंसू है, वो बोल नहीं सकती है और रो रही है और बार बार जब भी इनको अपने बेटी का याद आता है तो रोने लगती है। क्यों नहीं रोएगी? क्योंकि माँ है और गोद में पाला था। देखिए रो रही है और शायद ये रोने की आवाज आपके कान तक पहुंच रहा होगा। ये रोने की आवाज इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप इस बात को महसूस कर सके कि एक बेटी के गुजर जाने के बाद उसके माँ के दिल पर क्या बीत रहा होगा। ये सब मोहल्ले की औरत है, सब उसके पड़ोसी है, सबकी आंखें कहीं ना कहीं नम हो चुकी है इस बात को लेकर कि किस तरह से सुपौल से इस बेटी की शादी अफसाना की रूपनगर किया था और रूपनगर में जिस आदमी के साथ उनकी शादी हुई थी उन्होंने इनकी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, दहेज को लेकर के हत्या हुई है। मांग करते हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए प्रशासन से। हाँ, प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और सही रिपोर्ट पहुँच जाए ताकि आइंदा हमारी बेटी के साथ उन्होंने जो घटना किया है किसी और बेटी के साथ इस तरह का घटना नहीं हुआ। हमें प्रशासन से प्रार्थना है और हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। एक बाप है, बिलख बिलख कर रोते हुए ये कह दिए कि जो मेरे बेटी के साथ हुआ है यानी अफसाना के साथ हुआ, वो किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए प्रशासन आए, कब्र को खोदे, उसके अंदर से सब को निकाले और उनकी पोस्टमार्टम कराकर उनकी बॉडी की चेकअप करवाए और ये जांच करे कि क्या जो दावे किए जा रहे हैं, पीड़ित परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जो इनके भाई की तरफ से एक फोटो बताया जा रहा है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि गला दबा कर हत्या कर दी गई है, क्या वो सही है या गलत है, उसकी जाँच होनी चाहिए, फोरेंसिक की टीम बैठानी चाहिए और अगर हकीकत में उनकी हत्या की गई है तो जितने भी दोषी है उनके खिलाफ वारंट स्पीड ट्रायल चलाकर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, अगर पुलिस स्पीड ट्रायल चलाएगी तो शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो कहीं भी भागा रहे। लेकिन इस केस के आईओ मनीष कुमार है, मनीष कुमार बहुत अच्छे एक एएसआई ऑफिसर है और मुझे भरोसा और उम्मीद है कि बिरोल थाना में रहकर वो इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हालांकि इस परिवार के साथ ये सब महिला है, आप लोग गए थे अफसाना को देखने के? हां, अफसाना गए थे, अफसाना का मुंह ढक कर खेला नहीं दे, देखो वो देखा नहीं दे, हां बोले ना तो सब मोगी मर्दवा सब मिलकर उठ जाए, हल्ला करने लगा सब मार मार के उठ गए। अच्छा, तुरंत अपना दिया उसको? हां, तुरंत अपना बाप का चेहरा तहा दिल के देखे ले। क्या इल्जाम लगाया? जब सब कुछ से हार गया तो बुला सुपौल बुलाए, जेवर चुरा के ले गए, नहीं होता तो बांध को यहाँ पे सबको मारो, सब गवा एक साथ हो गया। आप लोगों को मार रहा था? हाँ, बोला जब देखिए, एक तो इनके घर की लड़की को हत्या कर दिया और ऊपर से इन लोग को बांध के मारने की धमकी दे रहे थे। एक ही है तो वहाँ के लोग बुला, इन लोग को बांध को यहाँ पे मारो, रूपनगर के लोग बोले। हाँ, अच्छा, हम लोग बोले हम लोग क्यों चोरी करेंगे, उनके हमारी बेटी भी मरी है, उनके हम चोरी करेंगे? तो वहाँ के लोग बोला ज्यादा बोल रहे तो सबको बांध के मारो। देखिए, रूपनगर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहाँ दबंग है और दबंग इसलिए है कि इनकी बेटी की हत्या हो जाती है और जब ये परिवार उनसे मिलने जाते हैं, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए जाते हैं, आखिरी बार उनका चेहरा देखने जाते हैं तो इन लोगों को बांध कर मरने की बात करते हैं ना, यही बात है? हाँ, बांध का मरने की तैयार करते हैं। बोला का सब चोरी करने आए सुपौल वाला, बांध का मारो, बांध के मारो। हाँ, बांध का मारो। सुपौल वाला सब भागल जाए छे तो ई बोले ना जेवर तू खेत में गारने छ, सब बोले कहीं ना कहीं उसमें उस लड़की यानी अफसाना की हत्या में पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे गांव का हाथ हो सकता है। जैसा इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब ये लोग उनको देखने के लिए गए तो उन लोगों को बताया कि इनको बांध के मारो, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार इसमें सम्मिलित है और प्रशासन जब कार्रवाई करेगी तो वहां के लोगों से पूछताछ करे। अफसाना की बहन है और ये अभी कुंवारी है और इनके शादी के खर्चा जुटाने के लिए इनके पिता बेंगलोर गए हुए थे कमाने के लिए और इसलिए कहाँ गए थे?
बेंगलोर इसलिए कमाने गए थे क्योंकि इनके ऊपर पहले से एक बेटी का बोझ है, एक बेटी की शादी किए थे तो शायद ये सोच लिए थे कि अब एक बोझ हल्का हुआ, चलो अच्छा हुआ कि हमारी बेटी एक अच्छी खुशहाल परिवार में शादी कर दिए, खुश रहेगी। लेकिन क्या पता था बाप को कि मेरी बेटी इस तरह दुनिया से हमको छोड़कर चली जाएगी। एक बहन है, इनके भी आंखों में आंसू है और इनके कमर में, यानी ये कह लीजिए इन्हीं की शादी के लिए इनका बाप जो है वो पैसे अर्जित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए परदेश गए थे। क्या नाम है आपका? सहना परवीन। मेरे फोन आया था, उसका ससुर थे, तुम्हारे बहन हाथ ऊपर हुआ है लाजा रे बेनीपुर, तुम अपना अम्मी तो भेज दो। तो मेरे नहीं मालूम था, हम अम्मी तो बोले था, अम्मी अबू तो फोन करे, अबू ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अबू बोला ठीक है तबीयत खराब तो मिलने के लिए भेज दो, तो ठीक है हम भेज दिए। अम्मी तो मोबाइल दे दिए, मगर बाद में मालूम चला मरा हुआ है, तो बाद में हम कहीं देखने के लिए, मगर मेरे माँ नहीं रोकने दिया, मुँह दिखा दे, 10 बजे माँ तो निकाल गया। फिर हम भोर में गए तो फिर मेरे लोग में नहीं बैठने दिया, मुंह करी देखा तो फिर दूर में मेरे बिठाई गया, मेरे कुछ नहीं, मुंह बोला बंद करने के लिए, मुंह भी नहीं देखने दिया बहन का, नहीं हल्का मुंह देखने दिया, बोला नहीं बगल में नहीं बैठ। सोचिए कितनी अभागिन ये बहन होगी कि आखिरी बार अपनी बहन का मुंह नहीं देख पाई और इनको वहाँ के लोग नहीं देखने दे रहे, नहीं देखने दे रहा, कोई भी बोलने भी नहीं दे रहा था, बोला नहीं बगल में बैठे, नहीं बैठने देंगे हम वहाँ पर, सब माँ बाप उठा रहा था, कोई नहीं बैठने दिया, कोई मुंह नहीं देखने दे रहा था मेरे बहन थे। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते मेरे बहन गया उसे तीनों आदमी तो फांसी पड़ना चाहिए, सब मेरे बहन से मिलना चाहिए, किसी बहन के साथ किसी बेसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। और हर माँ बाप को थोड़ा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी बेटी के साथ अगर थोड़ी सी ससुराल में प्रताड़िता होती है या प्रताड़ना किया जाता है उनके ससुराल वाले के द्वारा, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप भी अपने बेटी को उस दुख को सहने की बात कहेंगे तो आप साना जैसी घटना आपके घर में भी घट जाएगी और इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो चुका है। लेकिन अगर आपकी बेटी ससुराल में है और ये बताती है कि हमारी बेटी के साथ इस तरह से प्रताड़िता किया जाता है दहेज को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए और समाज में बैठकर इसका निराकरण करना चाहिए।